और एबीपी न्यूज पर इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें। मुंबई के समंदर में जिंदल कामाक्षी नाम का जहाज डूब रहा है। इस जहाज पर सवार सभी 19 लोगों को नौसेना ने बचा लिया है। नौसेना की मदद से इन 19 लोगों को बचा लिया गया है। जिंदल कामाक्षी एक कमर्शियल जहाज है जो मुंबई हार्बर से आगे बढ़ रहा था कोची की तरफ, और बीच में ही ये हादसा हुआ। अब ये जहाज डूब रहा है और 19 लोगों को बचाया गया। नीरज राजपूत और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे के बारे में, और नौसेना की मदद पहुंच चुकी है 19 लोगों तक? बिल्कुल, जो ये जिंदल कामाक्षी जो कमर्शियल शिप था, इसने कल रात डिस्टर्स कॉल की थी, उसके बाद से ही नेवी ने अपने ऑपरेशन लॉन्च किया था। जो सीकिंग हेलीकॉप्टर है और एक आईएनएस मुंबई यूपोर्ट है, इन दोनों को वहां भेजा गया था। 40 नॉटिकल माइल्स दूर था ये, मुंबई से वसई की तरफ था, ये वसई से 40 नॉटिकल माइल्स दूर था। तो वहां पर सीकिंग हेलीकॉप्टर्स ने, अब जो जानकारी मिल पाई है, जो 19 जो लोग थे, क्रू मेंबर्स थे इस जिंदल कामाक्षी शिप के, उनको बचा लिया गया है। जो हेड थे उस शिप के, वो अभी वहीं पर रुके हुए हैं, और ये माना जा रहा है कि शायद उसमें पानी भर गया था उसके जो कंपार्टमेंट पे, उसी के बाद इस जिंदल कामाक्षी जो शिप है, इसने डिस्ट्रेस कॉल की थी भारतीय नौसेना को, और नौसेना ने उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया, और 19 लोगों को जो उसपे मौजूद थे क्रू मेंबर्स, उनको अब बचा लिया गया। सिर्फ उसके जो मास्टर हैं, हेड हैं शिप के, वो रह गए हैं, उनको दूसरा सीकिंग हेलीकॉप्टर जा रहा है उनको बचाने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका जानकारी देने के लिए। तो 19 क्रू मेंबर्स को बचाया गया है इस जहाज से, और इसके बाद अब जो बचे हुए चालक दल के सदस्य हैं उन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं, और नौसेना इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है।